रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पब्लिक अपराध पर तत्काल संज्ञान, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना टू बी रेडियो डिवोशनल ऐप ने बिग बॉस के प्रतियोगी अनूप जलोटा के हर गीत को अपने ऐप से निकाला। जी हां, टू बी रेडियो और अनूप जलोटा का साथ 2 वर्ष से ज्यादा नहीं चल पाया। अनूप जलोटा के भजन प्रेमियों ने अनूप जलोटा के बिग बॉस के घर में नव युवती जसलीन मथारू के संग शामिल होने पर उग्र विरोध जताया। भजन प्रेमियों के रिएक्शन टू बी रेडियो को सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही मिलने शुरू हो गए थे, परंतु उस वक्त अपने 15 मिलियन उपभोक्ताओं को लगभग औसतन 3 लाख रसिकों को इससे वंचित नहीं रखा। पर जब लगातार भजन प्रेमियों का विरोध बढ़ता गया, तब उन्होंने अपने लोकप्रिय प्रोग्राम भजन अमृत, जो स्वर्गीय राजेश जौहरी व अनूप जलोटा द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, उसे तत्काल रूप से हटाने का निर्णय लिया। दरअसल टू बी प्लेटफॉर्म पर भजन प्रेमियों को अनूप जलोटा का जसलीन के साथ रिश्ता और उनका बिग बॉस में शामिल होना नहीं भाया। उन्हें इसमें एक भजन गायक का चरित्र हनन होता हुआ दिखाई दिया, इसीलिए जबरदस्त विरोध के चलते यह फैसला लिया गया। ऊपर से अनूप जलोटा का पहले जसलीन को अपनी शिष्या बताना, तत्पश्चात उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में दर्शाना भजन प्रेमियों के भावनाओं को ठेस पहुंच गया। सोने पर सुहागा हो गया अनूप जलोटा का भजन, जिसमें वह जसलीन को निहारते हुए मीरा का भजन गाते हैं। ऐसी लगी लगन। टू बी रेडियो की सीईओ डॉक्टर काजल रोहिरा का कहना है, अनूप जी एक बेहद अच्छे इंसान है और काफी सहयोगी भी, परंतु हमें अपने दर्शकों की भावना का भी सम्मान करना होगा जो अनूप जलोटा और जसलीन के रिश्ते से आहत हुआ है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से अनूप जलोटा जी के साथ में हम लोग का एसोसिएशन है, जिसमें हम लोग का जो टू बी रेडियो ऐप है उसमें हम लोग अनूप जी के भजन, उनके गीत, उनके बाइट्स, उनके बहुत सारे जो वो हमारे भक्तों के साथ बात करते हैं भजन के बारे में, वो हम चलाते थे। पर पिछले दो महीने से जब से बिग बॉस चालू हुआ है और बिग बॉस में जो भी उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उसके कारण बहुत सारे भक्तों के द्वारा हम लोग को लगातार मैसेजेस, फीडबैक, कॉल्स आ रहे हैं, और वो उनकी जो भी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है उससे भक्त लोग नाराज़ हैं। और क्योंकि हम लोग भक्ति संगीत के चैनल हैं, हमारा डिवोशनल रेडियो ऐप है जिसमें लगातार हम लोग डिवोशनल गाने, डिवोशनल आरती, भजन ये सब सुनाते हैं, तो भक्तों के इतने सारे विरोध और इतने सारे फीडबैक को देखते हुए फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब जब तक ये कंट्रोवर्सी शांत नहीं हो जाती या भक्तों का वापस अनुरोध नहीं आता कि फिर से आप वो भजन या संगीत हमें सुनाइए, तब तक के लिए अनूप जलोटा जी के सारा संगीत हमने अपने ऐप से निकाल दिया, बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मतलब ये जो कंट्रोवर्सी पॉपुलरिटी और भी नहीं होती, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से फ़ायदा भी होता क्योंकि और पॉपुलर हो चुके हैं तो लोग और भी उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉपुलरिटी तो बड़ी होगी निसंदेह, लेकिन जो अनूप जलोटा जी का जो नाम था वो डिवोशनल में जो भी भक्ति संगीत है उसमें भजन सम्राट के जैसे उन्हें पूजा जाता था। अगर उसी क्षेत्र में उनका कोई कंट्रोवर्सी हुआ होता या उसी क्षेत्र में अगर उन्होंने कुछ अच्छा उपलब्धि की होती तो शायद और ज़्यादा नाम होता, लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में अब ज़्यादा इंगेज हो गई है, ज़्यादातर अब आज जो बात हो रही है वो उनके जो काम वो करते हैं, जो वो भजन गाते हैं उसको लेकर नहीं हो रही, अभी बात हो रही है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कौन सी गर्लफ्रेंड है, क्या उनकी उम्र है, तो ये सब चीज़ जो उनके काम को बहुत ज़्यादा असर कर रही है, इसीलिए इतना आक्रोश है लोगों में, इतना लोगों के मैसेज आ रहे हैं, और इसी कारण मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अभी फिलहाल अभी हम लोग उसको बंद करते हैं। तो उनसे जुड़े जो भी लोग हैं, उनके खास लोग उनसे संपर्क में आए होंगे, तो क्या कहना है उनका क्या रवैया है? अभी तो हम लोग का किसी से संपर्क नहीं है, अभी तो फिलहाल जो भी हमें यूज़र का जो फीडबैक आया उसी के हिसाब से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अभी फ़िलहाल उनका कॉन्टेंट हम प्ले नहीं करेंगे,
शायद वो बाहर आए बिग बॉस से, या आगे कभी बात हो तो फिर अगेन हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ये स्टेप आपके लिए, मतलब ये जो आपके लिसनर्स है उसको रख के क्या किया है कि या कोई और भी रीजन है इसके पीछे? नहीं, वो तो लिसनर की डिमांड पे ही हमने बंद किया है, लेकिन हम लोग एज ए कंपनी हम लोग नहीं चाहते कि, देखिए डिवोशनल में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छा उन्होंने भजन गाया है और हम लोग भी बहुत अच्छे भजन उनके काफ़ी सालों से चला रहे हैं और उसका काफ़ी अच्छा हमको फीडबैक भी मिलता था, पर अभी भजन से ज़्यादा उनकी कंट्रोवर्सी दूसरी चीज़ों में हो गई तो उस चीज़ के कारण हमने फिलहाल बंद किया। लेकिन थोड़ा बहुत सेलिब्रिटी जो भी होता है उसका कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहना जरूरी होता है, क्योंकि सेलिब्रिटी होता है तो कंट्रोवर्सी ऐड होता ही है। नहीं, कंट्रोवर्सी ऐड होना चाहिए, अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी से पब्लिसिटी मिलती है, ये बढ़िया है, लेकिन अगर उसी क्षेत्र में पब्लिसिटी मिले, उसी क्षेत्र में जिसमें आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग होती है। तो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं या रिप्लेसमेंट नहीं? और भी हैं, बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे हम लोग का खुद का प्रोडक्शन है, हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो गाते हैं, वो अभी हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। फिलहाल के लिए अनूप जी का अभी कॉन्टेंट बंद किया हुआ है। और ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, ये जो मतलब उनका पॉपुलरिटी बढ़ा है, आप निगेटिव आस्पेक्ट में देखते हैं क्या, देखें आप ही सोचते हैं? नहीं, ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें अगर वो जो चाहे करें, वो उसके लिए किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है, किसी तरीके का कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके उस पर्सनल जो निजी लाइफ में जो उन्होंने किया है उसके कारण जो भक्त जो उनको अभी तक भक्ति संगीत और भजन के सम्राट के रूप में जानते थे, उनका कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा है या उनको कहीं उनसे दूरी बढ़ी है, तो ठीक है, पर्सनल लाइफ में उन्होंने जो किया अच्छा है, उसके लिए कोई हर इंसान को छूट है कि वो जो चाहे वो करे, पर क्योंकि वो संगीत से जुड़े हुए थे, ऐसा संगीत जो कि भक्ति है जिसमें भगवान है और लोग चाहते हैं कि वो उनका जो संगीत या उनके जो धार्मिक भावना है वो ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, इसीलिए ये विरोध है और इसीलिए हमने डिसाइड किया। तो आगे चलकर क्या चेक किया आपने, मतलब बिग बॉस में भी फिलहाल में आगे जब वो निकलेंगे तो क्या मतलब उनका जो ड्रॉप रेपिड से होने वाला है या फिर अभी वो तो जैसे वो आएंगे फिर आगे बातचीत होगी, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा क्या है, फिर जैसे भी भावनाएं रहे लोगों की उस हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाएगा, फिलहाल के लिए तो बंद। और ब्रीफ में ये भी बता दीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ऐप है, किस तरह का मॉड्यूल है, कैसे अभी तक अचीवमेंट्स क्या हैं इसके और क्या आगे विजन है? हम लोग का टू बी रेडियो डिवोशनल ऐप है जो कि एंड्रॉयड प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, रेडियो गार्डन में भी आप सुन सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ऐप है जिसमें पूरी दुनिया से करीब 15 मिलियन लिसनर्स हैं हम लोग के, जिसमें हर तरीके का भक्ति संगीत हम लोग प्ले करते हैं, सुबह आरती से लेकर भजन, नामावली, स्तोत्रम, जितना भी हिंदू डिवोशनल कंटेंट है वो हम लोग इसमें प्ले करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। पता नहीं बीच में ये कैसी एक न्यूज़ थी जिसके कारण थोड़ा सा रिस्पांस हम लोग को आया, पब्लिक का फीडबैक था कि प्लीज़ ये कंटेंट हटा दीजिए, तो इसीलिए हम लोग ने ये डिसीजन लिया। बाकी एनीवे हम लोग आगे अगर कभी अच्छा लोगों का रिस्पांस आता है कि फिर से वो अनुप जी को सुनना चाहते हैं या इस तरीके की डिमांड आएगी तो वापस हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और विजन क्या है कंपनी का, भक्ति संगीत से जुड़े रहना चाहते हैं या और भी? फिलहाल तो देखिए ये बहुत बड़ा गैप है, लोग जितने बाकी की चीज़ों में अभी बिजी हो गए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब, और जितना लोगों का दिमाग में ज़्यादा टाइम नहीं है और कैसे उनका जीवन उलझा हुआ है इन सब चीज़ों से, उसको एक अच्छा रिलैक्सेशन देने के लिए, एक जीवन में एक धर्म और शांति लाने के लिए हम लोग का ये डिवोशनल ऐप है। इसी को और आगे ले जाके इसको बहुत ज़्यादा हम लोग को चाहते हैं कि लोगों के पास जाए, ज़्यादातर लोग इसके फ़ायदा उठाएं और आगे इसी तरीके से जर्नी कंटिन्यू करें। थैंक यू। इनक्रेडिबल इंडिया, ये पहली बात तो इंडो पाक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है और ये थोड़ी देशभक्ति, और इसमें इस बार हम लोगों ने एक हॉरर फ्लिक डाला है, तो जो कास्टिंग का अगर आप देख रहे होंगे, आज हमने ऑडिशन लिया, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में फिलहाल अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी ऑडिशन आज हुई है यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं एंड आई एम वेरी वेरी क्लोज कि हमें कुछ कुछ लोग मिल गए हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें बहुत सारे किरदार हैं इनक्रेडिबल इंडिया में, और जो किरदार हम ढूंढना चाहते थे वो थोड़े बहुत हमें मिल चुके हैं। ये एक हॉरर भी है और एक कॉमेडी भी है और साथ में देशभक्ति भी है, तो ये जो जुनून और ये जो पैशन है वो कुछ लड़के लड़कियों के अंदर दिखा है,
और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरी इसकी पूरी कास्टिंग हो जाए, सब लोग इसी में मेहनत लगेंगे। तो ये फाइनलाइज हो जाएगा सारे कास्ट को, जब शूटिंग शुरू होगी कहाँ कास्टिंग होगी और कब तक फिल्म? जैसे ही सारी कास्ट फाइनल हो जाएगी तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रेणुका राजपूत जी, उनके साथ हम लोग प्लानिंग करेंगे। आई थिंक जनवरी फरवरी का हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी शूट करने का। तो सारे नए कलाकार रहेंगे जो नाम नहीं, कुछ नॉन फेस होंगे और बाकी के जो न्यू कमर हैं, जो नया टैलेंट है, जो जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और मिलेगा, तो वही हम लोग सर्च करेंगे मार्केट के अंदर जो टैलेंट है उसको पिक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर देखा और जो हमें कैरेक्टर चाहिए था ऑलमोस्ट हमें लगभग मिल ही गए हैं। और ऑडिशन 100% सक्सेसफुल रहा और आरआर बैनर फिल्म पहले भी मूवी बना चुकी है, दूसरी मूवी बना रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये न्यू कमर के लिए बेस्ट चांस है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो। और ऐसे अगर हर प्रोड्यूसर आए तो आर्टिस्ट के लिए काम ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। फिल्म के बारे में तो जो है इनक्रेडिबल इंडिया जो है इन्होंने बनाया, एक अच्छी स्टोरी है, एक सस्पेंस है, कॉमेडी है और क्रिटिकल में सब जो भी एक्टर अभी हम लोग नए जो दे रहे हैं तो जिनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है। आज अब बच्चे लोग नए नए टैलेंट जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ जो देख रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर ने जो सोचा कि भाई कुछ नए लोगों को लेना चाहिए क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। और नए बॉलीवुड में जो नए जो जूने कलाकार हैं उनको तो समझो सब नाम से जानते हैं, जो नए लोगों का प्लेटफॉर्म उनको कोई जानता नहीं। आज तक हम लोगों ने देखा पहली मूवी बने उन्होंने बदला इनका, उसमें भी नए एक्टर लोग को लिया, आज वो मूवी सक्सेस हुई और सेकेंड पिक्चर भी जो बना रहे हैं उसके बारे में अभी हमारे कुछ अभी हम लोग आज ऑडिशन दे रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस बच्चे आज उसमें से कुछ चुन के निकाले हो जाएगा, उसमें से अच्छा होगा। सर ये है कि मैंने तो मतलब फर्स्ट टाइम आरआर फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं गुजरात से आया हूँ और स्पेशली तो जब सुना कि आरआर फिल्म की इनक्रेडिबल इंडिया बन रही है, अगली ही फिल्म थी वो, उस टाइम पर मैं नहीं मिल पाया था और इनकी जो ये फिल्म बनाने की और जो नए आर्टिस्टों को जो चांस देने की इनकी जो एक गति है उससे सही में मैं इतना ये हुआ कि मैं खुद अभी गुजरात बड़ौदा से आके यहाँ आया हूँ ऑडिशन देने के लिए। और बिल्कुल सही है कि कैरेक्टर जो बैठे थे कास्टिंग वाले बहुत अच्छी तरह से दिखते और अच्छे मिले भी और बहुत अच्छे टैलेंटेड है। और एक बात बिल्कुल सराहनीय है राज भाई की कि जो नए के लिए जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है वो सर इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी जान है, क्योंकि कहीं इतने टैलेंटेड है कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो सही जगह मिलता है तो आर्टिस्ट निकलते ही है। सर जी सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद बोलूँगा, उसके बाद प्रणाम करता हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर राज राजपूत सर और उनकी धर्मपत्नी रेणुका राजपूत सिंह जी को जिन्होंने हम सबको एक अच्छी प्लेटफॉर्म दी है। हम तो लाइफ में कभी सोचे नहीं थे सर कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। इसके पहले हमको राज सर के द्वारा रेणुका मैम के द्वारा चांस मिला, हमने 4-5 शॉर्ट मूवी की इन्हीं आरआर फिल्म्स प्रोडक्शन में, उसके बाद थिएटर मूवी की जो ऑल इंडिया 24 अगस्त को रिलीज हुई है बदला हिंदुस्तानी का, उसमें भी हमारा जो है बहुत अच्छा किरदार रहा। उसके बाद फिर ये आगामी मूवी अपनी इनक्रेडिबल इंडिया जिसको हिंदी में अतुल्य भारत कहते हैं, हमारे ये राज सर बड़े भाई की देन है, रेणुका मैम जी की देन है कि हम इसमें भी चांस पाए हैं। जी ये इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारी पहली मूवी थी बदला हिंदुस्तानी का, उसको मतलब राज राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी हमको चांस दिए, नए चेहरे को चांस दिए। और इसके पहले भी हम लोग की एक मूवी आई, शॉर्ट मूवी आई थी तीन, तू मेरा हीरो और आज की राजनीति और मेरी जान तिरंगा, उसमें भी हम लोगों ने काम किया है। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ राज राजपूत जी को जो कि हमें यहाँ तक लेके आए और नए चेहरे को चांस दिया। अभी ये जो इनकी थिएटर मूवी है नेक्स्ट, ये
उसमें भी बहुत से नए नए चेहरे को चांस दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है चांस देना। और इसमें भी मार्केट के भी कलाकार रहेंगे और इसकी शूटिंग जल्द ही, मतलब हमसे बोले हैं जल्द ही स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं ऐडअप करना चाहूँगा यहाँ पे, जो हमारा क्राइटेरिया है मूवी बनाने का, जो 25% जो भी अर्निंग होता है हमारी मूवी का, बदला हिंदुस्तानी का भी मैंने किया है, उसमें बंटी का किरदार किया है, वो फिल्म अभी भी रनिंग है और अच्छे से जा रही है। हमारे प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह, रेणुका राजपूत सिंह, इन्होंने ये दावा किया था 25% वो देंगे और यही हम इसकी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगली जो हमारी फिल्म आएगी इनक्रेडिबल इंडिया, उसके लिए भी हम 25% फार्मर्स और जो हमारे जवान जो शहीद हो गए उनको मिलेगा, ठीक है। और बहुत जल्दी हमारी मूवी स्टार्ट होगी, इसके लिए हम ये ऑडिशन जो हम ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमारा वक्त इतना ज़ाया ना हो, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। भले हमारा बैनर इतना उस लेवल पर नहीं है लेकिन पब्लिक का जो प्यार है, इसीलिए हम लोग आज यूनाइटेड है, इसीलिए हमने नाम रखा है, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसीलिए हमने रखा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राज राजपूत जी का और रेणुका राजपूत जी, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम जैसे नए कलाकारों को, विजय जी है, चरण जी है, मैं खुद हूँ, हम लोगों को चांस दिया, जो नए लोग हैं जो आज देख रहे हैं इनमें से भी जो हमारे फैमिली के साथ जुड़ेंगे, तो मैं तहे दिल से इन लोगों का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, अपने प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह का और रेणुका राजपूत सिंह का। मैं एक्टर विशाल देसाई आप सबसे यही कहना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं रेणुका राजपूत जी, वो सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाते हैं, फिल्म के साथ साथ उनका जो इंटेंशन है, उनकी जो मोटो है देशभक्ति और समाज के हित में कुछ अच्छे काम करना, तो वो उनका बहुत ही अच्छी बात है। एज ए इंसान मिलना ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फिल्में तो हर कोई बना रहा है, लेकिन फिल्में बनकर किसका भला हो रहा है तो ये डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रहा है, यहाँ तक कि जो न्यू कमर है, जो नया टैलेंट है उसको मौका देना, उसको काम देना, जो नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं तो उनके बारे में भी सोचना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैंने पहले ही बताया है कि राज राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी, इन दोनों की मतलब कोई तुलना नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि नए न्यू कमर को ये चांस देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, तो जो लोग बॉम्बे आते हैं हमारे इंडस्ट्री में जुड़ते हैं तो एक सपना लेके आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो भीड़ ऐसी इकट्ठा होती है कि आधे की तो कमर उसी में टूट जाती है, मतलब कह सकते हैं। तो ये दोनों जैसे काम कर रहे हैं तो मैं तो चाहूँगी कि हर प्रोड्यूसर ऐसा काम करे ताकि आर्टिस्ट जो सपना लेके यहाँ आते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले, चांस मिले। और सबसे बड़ी बात ये आरआर बैनर जो 25% देश के लिए डोनेट करते हैं, तो आज का नेता लगा लीजिए चाहे प्रोड्यूसर लगा लीजिए, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, बैनर है, ऐसा अगर हर कोई सोचना शुरू कर दे तो देश का जवान, किसान, शायद किसी को कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमारा आरआर फिल्म्स कर रहे हैं, 25 ना हो, कुछ तो करिए आप लोग भी। सबसे बड़ी बात है उनको सपोर्ट ही कर लीजिए, अगर हम कुछ भला कर रहे हैं या फिर कुछ एक उनको लगता है कि नेक काम कर रहे हैं, तो सिर्फ हम यही उम्मीद करते हैं कि हमको सपोर्ट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि देश जो है ना वो सबका है और एक एक मुट्ठी बनकर ही पूरा एक मुक्का होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना देश और अपने जवान, जो सिर्फ टीवी पर बोलने से नहीं होता, उनके लिए प्रैक्टिकल लेवल पर आपको उतर के करना पड़ता है और वही हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए कोई वर्दी की आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ जज्बा होना चाहिए, जो हमारे प्रोड्यूसर के पास है, जो बड़ा जिगरा रखते हैं मेरे हिसाब से, राज राजपूत जी उनका नाम है, उनकी मिसेस है रेणुका राजपूत जी, और ये हमारा आरआर परिवार है। तो जो भी हमने किया आज तक सारे वादे निभाए और ये परिवार बहुत बड़ा है, भले नाम अभी इतना नहीं होगा लेकिन नाम भी तब होता है जब काम होता है, तो काम हो रहा है और इसीलिए हमारे फिल्म का जो नाम हमने इनक्रेडिबल इंडिया रखा वो इसीलिए रखा। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू ऑल कम एंड सपोर्ट दिस मूवी, एंड इसी तरह अपना प्यार, अपना सारा चीज़ अपने साथ रखिए और हमें विश कीजिए अपने फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया को हम आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार, मैं अवधेश वर्मा राज जी के साथ जुड़ा, मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा राज जी को और रेणुका जी को। उनका मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि ये जो भी काम करते हैं देश के लिए करते हैं, चाहे फिल्म हो या किसी का सपोर्ट करना हो। और ये जो फिल्म बना रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने एक बदला हिंदुस्तानी फिल्म बनाई, बहुत ही अच्छी है फिल्म, इसमें हमारी सारी टीम बहुत अच्छे से काम की है और इस बार भी हम लोग अच्छे से ही काम करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छे लोकेशन पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्टोरी ये है कि हम देख रहे हैं जो राज सर है
एक स्टोरी अच्छी चॉइस करते हैं जो देश के लिए होती, उसमें कुछ भी हो लेकिन देश के लिए करते, वो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम देश के लिए कर रहे हैं। बाकी हमारी टीम ही अच्छी है, काम करें हम लोग अच्छे से। थैंक्स। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज 18 पर वीडियो सहित पूरी डिटेल देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।